फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन. All right, so a train travels along a straight horizontal track at time t is equal to 0 second. The train passes through station P. See, जब 0 second था, पर जब जब time 0 second था तो train passes through station P at a constant speed without stopping. सही है, रुके बगैर. The driver applies the brakes 70 seconds before reaching station Q. Station Q पहुंचने से पहले 70 seconds पहले उन्होंने ब्रेक लगा दिया. ठीक है, तो इट मींस दैट ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि यहां से यहां तक का जो टाइम होना चाहिए वो 70 सेकेंड होना चाहिए. ठीक है, अच्छा जी. द ट्रेन डीसेलेरेट्स, फिगर 1.1 इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन. अच्छा, ये वाली बात तो हम लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि द फॉर्मूला फॉर द ग्रेडियंट इज चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला था कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ शोज व्हाट, क्या शो करता है? एक्सेलरेशन. शाबाश, एक्सेलरेशन शो करता है. एंड वी कैन क्लियरली सी कि जब हमारे पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटे, तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड या एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट भी जीरो होता है, राइट? और जो हमारे पास ये वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वी कैन से यूनिफॉर्म और कांस्टेंट डीसेलरेशन. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन्होंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड स्टेशन क्यू. सही है, स्टेशन पी जब था वो 0 सेकंड्स पर था एज मेंशन इन द क्वेश्चन, और दिस इज द पॉइंट वेयर द ट्रेन रीचेस टू स्टेशन क्यू. तो ये स्टेशन क्यू वाला पॉइंट है, तो यानी कि वी हैव टू फाइंड व्हाट डिस्टेंस. कैसे फाइंड आउट करूंगा जल्दी से बताइए, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस? एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व. अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकता कि थ्रू आउट द जर्नी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं. अच्छा, ये कौन सी शेप है मुझे जल्दी से बताएं? ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट. ठीक है, अब आपके पास जो पैरेलल साइड्स हैं, बेस हो गई आपके पास, ठीक है, एक पैरेलल साइड हो गई ये वाली और एक पैरेलल साइड हो गई बेटे ये वाली. Am I right or not? ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक पैरेलल 120, और ये मैं देख लेता हूँ कि एक यहाँ पे ये 10 के बराबर है, तो ये 2 यूनिट्स के बराबर होगा, तो ये हो गया 122, 124, 126. ठीक है, ये वाली बात समझ में आई जो मैंने कही अभी? अच्छा, दूसरी जो हमारे पास लाइन है ये हो गए 50, ये पैरेलल साइड जो है वो ये वाली है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है. सही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50, 52, 54, 56. ठीक है, तो दूसरी साइड हमारे पास आ गई 56. अच्छा, अब हमें चाहिए हाइट. हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज दिस मच, ये वाला पार्ट हो गया 70. ठीक है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल जी बेटे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे. अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप भूल जाएं, तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिएगा इन अ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल, और दोनों एरियाज को ऐड कर दें. ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास हाइट मिली, यहाँ पर हाइट हम निकाल लेते 72, 74, 76 एंड 77. सही है, तो हमारे पास 77 हो गई हाइट. Can you please solve it and just let me know what is the right answer? Total distance कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर? seven double zero seven meters. ठीक है, correct unit लिख दीजिएगा. अच्छा जी,
नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं द मास ऑफ द ट्रेन इज दिस मच, ठीक है, तो ट्रेन का मास हमें दिया हुआ है दैट इज 3.8 × 10⁻⁵. डिटरमाइन द डीसेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन द 70 सेकेंड्स बिफोर इट स्टॉप्स. ठीक है, 70 सेकेंड्स बिफोर इट स्टॉप्स मतलब 70 सेकेंड पहले एट स्टेशन क्यू हमें डीसेलरेशन निकालना है. ठीक है, डीसेलरेशन बच्चों कैसे निकाल सकता हूँ, या तो आप एक्सप्रेशन के फॉर्मूला से ठीक शाबाश, या तो मैं यूज कर लूँ वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, या मैं ग्रेडियंट निकाल लूँ. और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो बेटे ये वाला पॉइंट हो गया 77, राइट, 77 एंड 56. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास स्पीड है वो है 77 और टाइम है 56. यहाँ पर स्पीड कितनी है बच्चों बताइएगा जल्दी से, ये वाले पॉइंट पर जीरो ओके स्पीड 0 है और हमारे पास टाइम कितना है बेटे 126. तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 77 जैसे आप लोगों ने बताया, एंड द टाइम दैट वी हैव इज 70 सेकेंड्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें 56 से 126 तक. हाँ जी जल्दी से बताइएगा, 77/70 -1.1 -1.1, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि डिसेलरेशन इटसेल्फ मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा जी, रिजल्टिंग अगर हम फोर्स, माइनस लगा दें तो एग्जामिनर कि रहमो करम पर मतलब कितना उसका मूड अच्छा है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका मार्क डिडक्ट करता है या अवॉर्ड कर देता है. वैसे मार्किंग स्कीम में जो है वो इसकी मार्क डिडक्शन नहीं है, लेकिन हाँ वी हैव टू राइट इट इन पॉजिटिव वैल्यू हमें लिखनी होती है. सही है, नेगेटिव में नहीं लिखना प्लीज, ये वाला भंड नहीं मारिएगा. ऑलराइट आगे चलें जल्दी से. अच्छा जी, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स. अच्छा जल्दी से निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए. रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालनी है, मास ऑफ द ट्रेन वाज गिवन दैट इज 3.8 × 10⁵. और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली है 1.1. सही है, मुझे बता दीजिए the value of the resultant force. 41,800 सही है, अगर मैं इसको चाहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो ये हो जाएगा 4.18 × 10⁻³ 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 4.18 × 10⁵5, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 4.2 × 10⁵5 न्यूटन्स. इज दैट क्लियर, राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं. सही,
बच्चों एम आई ऑडिबल? यस सर। कनेक्शन इंटरनेट इशू हो गया था थोड़ा सा। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, द क्वेश्चन वी वर ऑन द क्वेश्चन नंबर टू। द क्वेश्चन नंबर टू सेज द फाउंडेशंस दैट सपोर्ट अ बिल्डिंग आर लॉन्ग कॉन्क्रीट सिलेंडर्स दैट आर पॉइंटेड एट वन एंड। सही है, एक एंड से उनको पॉइंट किया हुआ है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड शेप है उनकी। ठीक है, अ पाइल ड्राइवर इज अ मशीन दैट फोर्सेस द पॉइंटेड कॉन्क्रीट सिलेंडर्स इनटू द ग्राउंड। सही है, और आपके पास ये जो पाइल ड्राइवर है ये क्या कर रहा है, ये इसको फोर्स कर रहा है इनटू द ग्राउंड। सही है, अ हैवी ब्लॉक ऑफ मास दिस मच केजी 2.9 इनटू 10 टू द पावर 4 केजी इज लिफ्टेड इनटू द एयर देन ड्रॉप्ड ऑनटू द टॉप ऑफ अ कॉन्क्रीट सिलेंडर। सही है, एक उसको हाइट पर उठाया गया और वहां से ड्रॉप किया गया है। दिस फोर्सेस द सिलेंडर इनटू द ग्राउंड और इसी वजह से ऑफ 1.2 मीटर स्क्वायर, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1. सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही टू है। मीटर स्क्वायर। और यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि आप डेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। तो कैन यू प्लीज क्विकली लेट मी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। बच्चों एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अभी सही है, लैग तो नहीं कर रही है? नहीं सर। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इस केस के अंदर हमारे पास जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ द मास इज हियर 2.9 into 10 to the power 4. So yeah, volume कितना है बेटे? Volume कैसे आएगा यहाँ पर? Sir, area into 2. Area multiplied by 2. So area multiplied by 2. Area times 2. ठीक है, क्योंकि volume is equal to area into height. सही है, तो यहाँ पे volume आ जाएगा हमारे पास 1.8 टाइम्स हाइट इज 2। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर?
सर 8056 केजी पर जूल। 8056.0 सर 8056 होंगे। 8056 आ रहा है। नो 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 जीरोस आफ्टर सिक्स। यही है ना? Yes, sir. Are you all getting the same answer? I can also write. Okay, or I can also write. Okay, thank you. 8.0 into 10 raised to the power 3 kilogram per meter cube. सही है? अच्छा जी, सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि द पाइल ड्राइवर लिफ्ट्स द ब्लॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ अ कॉन्क्रीट सिलेंडर थ्रू अ हाइट ऑफ 0.8 meters। कितना इसको रेस किया गया, कितनी हाइट है इसकी? 0.80 meters। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 9.8 newtons per kg। वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक। So, the change in gravitational potential energy or gravitational potential energy is equal to mg delta h. The mass of the concrete block is given. Kitna mass tha iska? 2.9 into 10 raised to the power 4. The value of g is 9.8. Aur jo humare paas height hai, wo hai 0.8. Sir, jab usne 10 diya hai, to aapne 9.8 kyun liya? बेटा ये है पास पेपर और ये है 2022 का पास पेपर, सही है? और पास पेपर में मतलब 2022 के सिलेबस में हम जो वैल्यू लेते थे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, वो हम 10 देते थे फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है और वी एक्चुअली टेक द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 9.8। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, मुझे बता दें जल्दी से क्या वैल्यू आ रही है। सर 227360। सो 2.2 into 10 raised to the power 5, 2.3 कर लेते हैं, सही है? अच्छा अभी कह रहे हैं कैलकुलेट द ब्लॉक इज देन ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, सही है? ये रेस्ट में था, इसको किसी हाइट पे रखा हुआ था एंड देन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑनटू द टॉप ऑफ द सिलेंडर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। देखिए जैसे ही आपने इस ब्लॉक को रिलीज किया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो हाइट के ऊपर बेटे कौन सी एनर्जी स्टोर थी इसके अंदर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शाबाश। और जैसे आपने रिलीज किया इसको, तो the gravitational potential energy starts to convert into kinetic energy, and just before reaching the surface all of the gravitational potential energy is converted into kinetic energy. So hum yahan par likh dete hain ki gravitational potential energy barabar hai kinetic energy ke, gravitation ya ep is equal to ek. gravitational potential energy ka formula hota hai mgh, kinetic energy ka formula hota hai half mv square, and se m yahan par cancel ho jayega, v square is equal to 2gh, सही है? और आप इसको रूट ले लीजिएगा फिर तो v आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए व्हाट्स योर आंसर। एम आई ऑडिबल? सर 6.78.23 स्क्वायर रूट के बाद साथ सर बाद लास्ट आंसर। ओके बताइएगा 6.78.23। अच्छा जी, कोई बच्चा मार्किंग स्कीम खोल सकता है? सर 3.9 आ रहा है। सर आई डिडंट गेट दिस। अच्छा लेट मी चेक।
कुछ गलती तो नहीं किया आपने? सर वो कैलकुलेट करते हुए मेरा कैलकुलेटर गिर गया था, कुछ हो भी सकते। चेक करो, मुझे बताओ। इट्स 3.96। हाँ यही मैं बोलूँ थी, बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है। हाँ ये कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, 3.96। इसको अगर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखे तो दैट इज इक्वल टू 4.0 मीटर्स पर सेकंड। कैलकुलेशन तो हमारी सही थी ना, इसमें तो हमने कोई गलती नहीं की, राइट? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 3.1 शोज अ मैन स्टैंडिंग अंडरनीथ एन आउटडोर हीटर ऑन अ कोल्ड इवनिंग, ठीक है? गैस इन द सिलेंडर एट द बेस ऑफ द हीटर इज द फ्यूल फॉर द हीटर। हम यहाँ पे क्या कौन क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? वॉट आर वी यूजिंग हेयर? गैस, सही, गैस एज फ्यूल यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वेन द हीटर इज ऑपरेटिंग द गैस ट्रेवल्स टू द टॉप ऑफ द हीटर वेयर इट बर्न्स, सही, गैस ट्रेवल कर रही है, टॉप पर जा रही है और बर्निंग हो रही है। स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द हीटर। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है गैस के अंदर? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, शाबाश। केमिकल एनर्जी फ्यूल्स में। इसका आंसर थर्मल एनर्जी क्यों नहीं होगा? स्टोर्ड एनर्जी पूछ रहे हैं ना। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द हीटर, सही है, जो कि हीटर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, और किसमें कर रहा है बेटे? हीट एनर्जी में ही कर रहा होगा यकीनन, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अभी कह रहे हैं कि अ मेटल स्क्रीन सराउंडिंग द बर्निंग गैस इज हीटेड बाय द बर्निंग गैस अंटिल इट इज रेड हॉट, द रेड हॉट मेटल स्क्रीन वार्म्स द मैन हु इज स्टैंडिंग अंडरनीथ, सही। अब जो हीटर के साथ एक ग्रिल है, दिस इज द रेड हॉट मेटल, और इस मेटल से जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है टू दैट पर्सन, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी in the red hot metal screen is transferred to the man, sahi hai, and how it warms him, sahi hai, aur wo usko kaise warm rakh rahi hai, sahi hai. To aap yahan par it's a 3 mark question, to bata dijiye kya ho raha hai. Haan ji, with the logical reasons quickly. सर वापस से समझाते हैं। तो इससे नहीं कह रहा है कि जो मेटल स्क्रीन है सराउंडिंग द बर्निंग गैस इज हीटेड, जो बर्निंग गैस के सराउंड में जो मेटल केसिंग है वो हीट की जा रही है, सही है, बाय बर्निंग गैस, ठीक है, until it is red hot. अब जो वो मेटल स्क्रीन थी वो रेड हॉट हो चुकी है, the hot metal screen warms the man who is standing underneath, सही है, और जो आपके पास स्क्रीन ऊपर है और बंदा नीचे खड़ा हुआ है और वो बंदे को हीट पहुंचा रही है, सही है, वार्म कर रही है. अभी कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है फ्रॉम द रेड हॉट मेटल स्क्रीन टू द मैन, आदमी तक कैसे पहुंच रही है. अच्छा अब हम देख लेते हैं, यू कैन सी दैट, okay, we have discussed that there are 3 modes of heat transfer. The first is conduction, convection and radiation. Conduction isliye nahi ho sakti ki there is not any solid present between the man and this metal piece, theek hai. Bahut sare bacche kyunki yahan par metal screen ki baat ho rahi hai to wo shayad ye samjhenge ki metal ki kyunki baat ho rahi hai to conduction ko explain kar denge, theek hai. To we do not have to explain conduction here because वो ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीन से आदमी तक हीट कैसे पहुंच रही है, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, द सेकंड ऑप्शन इज
कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से हीट यहाँ पर मैन तक क्यों नहीं पहुंचेगी बेटे, क्योंकि वी हैव डिस्कस दैट द हीट द एयर विच इज प्रेजेंट अराउंड दिस मेटल स्क्रीन will gain energy and it will become less dense and hot air rises, cold air sinks. So, बेटे जब ये hot air यहाँ से निकल के rise करेगी तो ये आदमी तक तो नहीं पहुंचेगी ना, तो यहाँ पर convection भी नहीं हो रही. Is that clear? So the mode of heat transfer. और convection सिर्फ पानी में नहीं था. Sorry. जी बेटे दोबारा पूछिएगा जल्दी से. Sir, convection किस किस में होता है, पानी और गैस में ना? जी, liquid and gas. ठीक है, तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं हो रही. द लास्ट थिंग इज कि आपके पास क्या बचा बेटे, रेडिएशन सर. और कंडक्शन जो होती है वो सिर्फ सॉलिड्स में होती है. कंडक्शन सॉलिड्स में होती है, यस. सॉलिड्स के अराउंड कोई भी चीज मौजूद है, जैसे जो फॉर एग्जांपल ये सॉलिड थ्रू मीडियम ना, हाँ. और इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अब जो फॉर एग्जाम्पल ये मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है और मेटल के ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई एयर मौजूद है, कोई लिक्विड मौजूद है, तो बिल्कुल जस्ट जो कॉन्टेक्ट में होगा जो पार्ट उससे कंडक्शन के थ्रू पहुंचेगी, बाकी थ्रू आउट द लिक्विड जो है वो कन्वेक्शन होगी. सही है. और अगर किसी मीडियम की बात नहीं करें तो रेडिएशन. तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है. सही है. और आप यहाँ बताएंगे कि भाई हीट इज ट्रांसफर थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन एंड दैट हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय दिस मैन. एक तो आपने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बता दिया रेडिएशन, दूसरा आपने इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में बता दिया, और द थर्ड थिंग इज आपने एब्जॉर्प्शन के बारे में बता दिया. इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट सर. आप इंफ्रारेड रेडिएशन वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? देखें, आप बता दें कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या मोड है हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन. और हमने डिस्कस किया है कि हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन. कौन सी रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है? तो बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस. इज दैट क्लियर? इन राइट सर. सही है. फिर आप बता दें कि भाई हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है और वो बंदा जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एंड दैट इज हाउ दैट पर्सन गेट्स द हीट. Right? Got my point? जब वो बंदा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अच्छा जी, एज द टॉप ऑफ द हीटर इज अ मेटल हुड दैट हैज अ शाइनी लोअर सरफेस. सही है. हीटर का जो टॉप है वो मेटल हुड है दैट हैज अ शाइनी लोअर सरफेस. देखते हैं डायग्राम में इन्होंने मेंशन किया है या नहीं. हाँ, एग्जैक्टली दे हैव मेंशनड इट. ये वाली सरफेस बेटे शाइनी लोअर्ड सरफेस है. सही है. तो अब ये पूछेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है. हाँ, एक्सप्लेन व्हाई दिस मेक्स द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द मेटल स्क्रीन मोर एफिशिएंट. यानी कि इससे किस तरह से जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली ही ट्रांसफर हो रही है. शाइनी सरफेस से क्या फर्क पड़ता है? तो शाइनी सरफेस वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि क्या करती है, बेटर एमिटर, बेस्ट एमिटर. अच्छा, नहीं, एमिटर नहीं है यहाँ पर. एमिटर आपके पास, मैं बताता हूँ, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एट द टॉप ऑफ द हीटर इज अ मेटल हुड, एक मेटल हुड है, और वो मेटल हुड जो है उसकी जो लोअर सरफेस है वो शाइनी है. सही है. शाइनी सरफेसेस बेटे याद रखिएगा, दे आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस. हमने क्या ये पढ़ा है या नहीं, हैव वी डिस्कस्ड इट? सही है, हमने पढ़ा है कि जो शाइनी सरफेसेस होती हैं वो पुअर एमिटर्स होती हैं या पुअर एब्जॉर्बर्स होती हैं. अच्छा, अगर यहाँ पर ये शाइनी सरफेस नहीं होती, अगर यहाँ पर ये शाइनी सरफेस नहीं होती तो हीट क्या करती, जाती. सही है, और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती. व्हाट माय पॉइंट? लेकिन लेकिन इस हीटर का पर्पस क्या है? इस हीटर का पर्पस ये है कि ये बंदा गर्म रहे भाई. ठीक है, ही गेट्स हीट फ्रॉम दिस हीटर. राइट, तो अब क्या होगा कि अगर ये हीट
इसको एफिशिएंट हम और किस तरह से बनाने कि भाई इंफ्रारेड जो शाइनी सर्फेसिस होती हैं वो बेटर रिफ्लेक्टर्स होती हैं, यानी कि रेडिएशन जाएगी शाइनी सर्फेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इज दैट क्लियर? तो जो भी बंदा इसके नीचे खड़ा हुआ होगा वो रिफ्लेक्शन की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन बजाय एब्जॉर्ब होने के वो इस आदमी तक पहुंच जाएगी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सही है, तो रेडिएशन के थ्रू जो है वो और हीट एस्केप नहीं होगी, सही है? All right. The air temperature decreases and the man puts a black pullover. So yeah, air temperature or decrease हुआ और उस बंदे ने अब ये जो आपको black pullover आप नजर आ रहा होगा इस picture में, ये जो pullover था इसका, now इसने इसको पहन लिया, ठीक है? अब ये पूछ रहे हैं कि explain one way in which the wearing the black pullover helps to keep the man warm. अब बता दीजिए, शाइनी का आपने ऊपर बता चुके हैं, शाबाश, तो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और जब वो ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा आदमी तो उसकी इंटरनल एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इज दैट क्लियर? यस सर, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, a sound wave traveling in air or water contains compressions and rarefactions. Sound jo air mein travel ya water mein travel kar rahi hai uske paas compressions aur rarefactions hote hain, hame pata hai compression aur rarefactions kya hai. Describe an experiment to show that a medium is required to transmit sound waves. You may draw a label diagram if you wish. Kuch yaad aaya, humne padha tha kuch is hawale se, bell jar experiment. Bell jar experiment kya hota hai, jaldi se explain kar do. सही है, समझा दें बेल जार। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सर एक वैक्यूम में रखते हैं ना बेल जार को, सर इन वैक्यूम नो साउंड इज हर्ड। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है? सर उसमें पहले एक हम लोग बेल सस्पेंड करते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ग्लास जार रख देते हैं, उसमें फिर हम लोग जो बैटरी को ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो एक हैमर होती है वो उसको जब वो पुश करती है तो साउंड क्रिएट होता है, लेकिन फिर जब हम लोग वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर देते हैं और एयर निकाल लेते हैं फिर से उसको ऑन करते हैं तो वो हिट कर रही होती है लेकिन साउंड नहीं आ रहा होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। शाबाश भाई, ये है मेरे पास, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। डायग्राम बनाना जरूरी होगा? हाँ, डायग्राम आई सजेस्ट के आप ड्रॉ करें डायग्राम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो इतनी ज़्यादा कंसाइज नहीं होती या वेल डिफाइंड नहीं होती, तो डायग्राम से हम अपना अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया बेटे एक एक जार लिया, एक ग्लास जार लिया है, और एक ले ली बच्चों हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब और उसको सस्पेंड कर दिया, सही है, फ्रीली। सही है, इन दिस बेल जार, सही है। मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द डायग्राम, बस जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि व्हेन द एयर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ग्लास जार, अब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे, यू विल सी दैट द हैमर इज हिटिंग द बेल एंड यू कैन हियर द साउंड, इज दैट क्लियर? अब आपने क्या किया बेटे इसके साथ, यू हैव कनेक्टेड अ वैक्यूम पंप, आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम पंप, और इस वैक्यूम पंप का काम क्या है बेटे, टू पंप आउट ऑल द एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ग्लास जार, और इसका काम यह है कि सारी की सारी एयर को क्या करेगा, पंप आउट कर देगा। अब जब आपने सारी एयर को पंप आउट कर दिया तो इसके अंदर क्या बचा, ओनली वैक्यूम, सही है, नथिंग इज देयर। अब यू कैन सी दैट द हैमर इज हिटिंग द बेल, हैमर इज हिटिंग द बेल बट no sound is heard, and that's how you can prove that the sound waves require medium for their propagation, is that clear? Yes sir. Is there anyone jisko clear na hua ho? No, aage chale ji. Yes, okay sir. When a sound wave passes through air or water, sahi hai, the molecules of air or water move karte hain.
describe the motion of the molecules due to the sound wave की वजह से motion क्या होगी जी कौन बताएगा अभी ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि sound to the direction of energy transfer okay और किस तरह की movement होगी They move in the direction of energy transfer. क्या इतनी डेफिनेशन काफी होगी या कुछ और भी एड हो सकता है इसमें Move back and forth in the same direction. शाबाश move back and forth or we can say vibrate or we can say oscillate सही है in the direction of energy transfer. ठीक है और वी कैन से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर आपको याद हो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है वो पैरेलल होती है टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होगी उसके पैरेलल इनकी ऑसिलेशन होती है या वाइब्रेशन होती है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्शन सॉरी रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे हमने नोट्स में लिखा था कि व्हाट इज रेयरफैक्शन एंड व्हाट इज कंप्रेशन लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मार्किंग स्कीम तो नहीं खोली हुई तुमने देखो हम रेयर फ्रैक्शन को पहले समझ लेते हैं रेयर फ्रैक्शन होता क्या है देखो जब पार्टिकल्स करीब करीब आते हैं तो दैट रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड व्हेन द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर तो दैट रीजन इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन तो रेयर फ्रैक्शन में बेटे एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है बिकॉज द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो वी कैन से दैट द लो प्रेशर रीजन और यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं वॉल्यूम ज्यादा है तो इसको लो डेंसिटी रीजन भी कह सकते हैं इज दैट क्लियर सो द पॉइंट और द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो और लेस गॉट इट सर कैन वी सिंपली राइट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्लियर अच्छा जी The range of audible sound frequencies for dolphin is 75. नहीं सही था अगर हम वेवलेंथ आपका क्या आंसर था ऑलिवर दोबारा बताइएगा प्लीज less frequency of wave less frequency of wave means more wavelength no wavelength to bete throughout the region jo throughout the wave hogi wo to constant hi hogi na wo change nahi hogi sahi hai aur frequency pe bhi koi difference nahi aayega sahi hai let's wait 2 minutes for azan fir hum usko continue karte hain 2 minutes
बेटे am I audible? Yes sir. अच्छा जी, the range of audible sound frequencies of the for the dolphin is 75 hertz to 140,000 hertz. ठीक है. अभी कह रहे हैं कि in water the speed of the sound is 1500 speed of the sound is given. सही है ना. हमें स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालनी है. ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का मतलब स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना वाटर के अंदर, तो आप और कह रहे हैं कि कितना कितनी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वो सुन सकती है. तो देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा बराबर हो जाएगा वी ओवर एफ. स्पीड हमें यहाँ पर जो गिवन है वो है 1500 और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 140,000. ठीक है, मुझे बता दीजिए व्हाट्स योर आंसर. सर आपने फ्रीक्वेंसी 140,000 की लगाई है क्योंकि v is equal to f lambda के हिसाब से यहाँ तो स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. ठीक है, तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो बराबर हो जाएगी v is equal lambda is equal to v over f. देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ, तो आप इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. सो द ग्रेटर द वेवलेंथ द स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी. सही, एंड वाइस वर्सा. तो हमने क्या किया कि हमें चाहिए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो वी आर गोइंग टू टेक ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हमने सब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले ली. अगर हमें लार्जर वेवलेंथ चाहिए होती तो हम 75 हर्ट्ज लेते. आंसर बताइए क्या आ रहा है. जीरो पॉइंट जीरो वन वन मीटर्स. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर सप्लाई इन अ सर्किट इज मेड फ्रॉम सेवरल सेल्स. बहुत सारे सेल्स मिलकर पावर सप्लाई बनी है, ईच विद द सेम ईएमएफ. सबकी ईएमएफ सेम है, द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ईएमएफ. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मतलब है, जल्दी से बता दें, ये तो आप लोगों को पता ही है. What is meant by EMF? This is not the definition of EMF. Sir, work done per unit charge. Okay. Sir, can we say the total energy provided by the source? Not only energy. Work done. सही है, इज दैट क्लियर. अच्छा, अगर आप एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वर्क डन की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड एनर्जी ट्रांसफर्ड, बट वी हैव टू राइट पर यूनिट चार्ज. सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर्ड लिखा आपको मार्क नहीं देगा एग्जाम में. एक यूनिट चार्ज के ऊपर आप नॉट फोर्स गलत हो जाएगा. अगर आपको याद हो ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो अगर वर्क डन की जगह मैं सिर्फ फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख दूं तो बेटे दैट्स नॉट द राइट आंसर. इज दैट क्लियर. ओके, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द सेल्स इन पैरेलल रादर देन A single cell as the power supply. एक सेल के बजाय इन्होंने बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है. क्या एडवांटेज है? लास्ट लॉन्गर. सॉरी. बेटर एफिशिएंसी. इन
व्हाट सेंस एफिशिएंसी कैसे बेटर हो जाएगी? ईएमएफ पहले भी आपको उतनी मिल रही थी, अभी भी उतनी मिल रही है, पैरेलल में द ईएमएफ रिमेन सेम। देखो इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, इट लास्ट लॉन्गर, तो ये ज्यादा देर तक चलेगा, ठीक है, बार बार आपको सेल रिप्लेस नहीं करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? जी बच्चों। अच्छा जी, आपके पास इसके बाद है द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4000, सही है, रेजिस्टर कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है, 4000 है, एंड अ थर्मिस्टर, सही है, थर्मिस्टर, यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ थर्मिस्टर इज वेल, और एक 4000 को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। देयर इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टर, वोल्ट मीटर किसके साथ अटैच हुआ हुआ है बच्चों? थर्मिस्टर के साथ, ठीक है, थर्मिस्टर के साथ, नहीं नहीं फिक्स रेजिस्टर के साथ, सही है। द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जी सर, बताइए वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा और क्यों होगा, सब बताना है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी सर। सर इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज होगी, ओके, वोल्ट मीटर की रीडिंग हाँ से कह रहे हैं इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी? जल्दी बताएं बेटे। सर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो उसका वोल्टेज का शेयर भी कम हो जाएगा, तो हमारे पास रेजिस्टर की पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। शाबाश बेटे, हम एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर, सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर, और इसमें वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब थर्मिस्टर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इस टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। शाबाश बेटे, तो यहाँ पर जो हमारे पास थर्मिस्टर है, जैसे ही इसके अक्रॉस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई बेटे, डिक्रीज हो गई। जब डिक्रीज हो गई तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी डिक्रीज हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो द वोल्टेज अक्रॉस 4000 ओम रेजिस्टर इंक्रीजेस, सही, वोल्टेज उसके अक्रॉस इंक्रीज हो गया, सो द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, सो हियर the EMF of the power supply is 1.5, so you calculate the reading on the voltmeter when the resistance of the thermistor is 8000 ohms, voltmeter ki reading kitni hogi jab thermistor 8000 ohms hai, yani ki mujhe find out karna hai V, isko main keh leta hu bijaga total V, jo total V hai wo hame given hai 1.5 volts, ठीक है, थर्मिस्टर को कह दिया हमें 8000 ohms के बराबर है, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि V1 की वैल्यू कितनी होगी, इसके क्रॉस वोल्टेज को मैं V2 कह लेता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सही है, कैसे निकालो? सर पहले करंट निकालेंगे, पहले करंट निकाल लें उसके बाद फिर वोल्टेज निकाल लें, या फिर हमने कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था VT ओवर RT इज इक्वल टू V1 ओवर R1, सही है। अब जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है क्वेश्चन में वो गिवन है 1.5, सही है, जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो 8000 प्लस 4000, तो 8000 प्लस 4000 ये हो गया हमारे पास 12000,
वी वन हमें कैलकुलेट करना है, सही है, और आर वन हमारे पास जो है वो है फिक्स रेजिस्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो है 4000. वी वन बता दो कितना आ रहा है. बड़े क्लियर है, करंट वाले मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं ना जी. क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आ जाएं. ठीक है, हम एक्चुअली लेट हो गए इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर. द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ये इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और ये इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन वाई. हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्लेन वाई देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल. सही, ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है. अच्छा, द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई. मेन सप्लाई से हमें कनेक्ट किया गया है. द वोल्टेज ऑफ द एसी मेंस इज 240 वोल्ट्स है. ठीक है, तो हम इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल में इतने वोल्टेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. फिगर 6.1 इज अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट. फिगर 6.1 शो कर रहा है, एक्सप्लेन व्हाई अ वोल्टेज इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. याद रखिएगा कि वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं. जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से. किसी भी कॉइल के अंदर सर वही ना मैग्नेटिक फ्लक्स वाला लिखेंगे ना हम. बिल्कुल वही लिखेंगे, लेकिन बेटे वहां पर हम जो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वायर और द मैग्नेट द करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज एंड दैट्स व्हाई द करंट इज प्रोड्यूस्ड. यही लिखते हैं. यही लिखते हैं ना बच्चों, कि आपने वायर को या मैग्नेट को मूव करवाया उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ एंड बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. यही लिखते हैं ना. बट द प्रॉब्लम इज यहां पर मैं किसी भी चीज को मूव नहीं करवा रहा हूं, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा. जल्दी से बच्चों, ड्यू टू चेंजिंग करंट और ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से एक चेंजिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज बीइंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड. और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से बच्चों क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए हैं NP. आपके पास सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए हैं. आपको सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए. एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, VP over VS is equal to NP over NS. इसके थ्रू हम वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में निकाल सकते हैं, या इस फॉर्मूले को मैं रिवर्ट करके भी लिख सकता हूं कि Vs over Vp is equal to Ns over Np. मुझे जल्दी से बता दीजिए, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल हमें नहीं पता, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल 240 था. 240 था ना. प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज है 5600, देख लेता हूँ, जी 240 था, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 350. सही है, तो मुझे बता दीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. जल्दी से
350 अपॉन 5600 मल्टीप्लाई बाय 240 कितना आ रहा है 15 सही 15 ही आ रहा है ना 15 जी सर अच्छा जी द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 90 वॉट्स फिलामेंट एंड पावर इज गिवन विच ऑपरेट एट नॉर्मल ब्राइटनेस पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें करंट निकालना है पावर इज इक्वल टू वी आई वोल्टेज हमें पता चल गया है कितना है 15 वोल्ट ठीक है करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज पावर बेटे हमारे पास है 90 वोल्टेज हमने निकाले 15 90 अपॉन 15 करें बेटे 6 एम्पीयर्स इज दैट क्लियर और चाहे तो 6.0 कर सकते हैं ये तो बुरी बात है इन्होंने ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी से दो क्वेश्चन दे दिए कॉपर इज समटाइम्स चूजन एज अ मटेरियल टू मेक पेंस फॉर हीटिंग लिक्विड्स अ कॉपर पैन कंटेन्स वाटर एट रूम टेम्परेचर द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर इन द पैन कूल्स एज वाटर एवेपोरेट्स अ कन्वेक्शन करंट कॉजेज द रेस्ट ऑफ द वाटर टू कूल हाउ दिस कन्वेक्शन करंट इज प्रोड्यूस्ड हाँ जी सर हॉट एयर राइज होगी कोल्ड एयर फॉल होगी क्योंकि हॉट एयर ज्यादा कम डेंस होती है अच्छा सर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ मीडियम इटसेल्फ देखो द फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास यहां पर कन्वेक्शन करंट किस तरह से जनरेट हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस सही है हॉट एयर राइज करती है और कोल्ड एयर सिंक करती है सही है जी सर ठीक है तो इन दिस केस ये आपसे कह रहे हैं कॉपर पैन वाटर द रूम टेम्परेचर के ऊपर द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर इन द कूल्स एज वाटर एवेपोरेट्स ठीक है अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल सही है सरफेस कूल हो गई तो कोल्ड वाटर क्या करेगा सिंक करेगा एंड हॉट वाटर क्या करेगा राइज करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्वेक्शन करंट इज जनरेटेड सही है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से द कॉपर पैन इज नाउ प्लेस्ड ऑन अ हॉट प्लेट That is switched on. Hot plate के ऊपर रखा उसको switch on कर दिया. Name the process by which thermal energy transferred to the base of the pan. सही है. तो किस mode से heat transfer हो रही है? It is made up of metal. और metal के अंदर heat transfer conduction. Conduction. Copper remains a solid when heated up to 1000 degree Celsius. ठीक है. State one reason why it is sensible to make a man a pen out of copper man bolne jada tha pen ko copper se kyun banaya ho good conductor sir melting point ka nahi likh sakte ki copper melt nahi hoga iron use kar lete 1500 pe melt hota hai iron kyun use nahi kiya copper kyun use kiya sir phir good conductor ठीक है अच्छा द वाटर इन द पैन इज हीटेड फ्रॉम दिस मच टेंपरेचर टू दिस मच टेंपरेचर तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हीट किया गया दिस मच इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना इसका मास है एंड हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेंपरेचर तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है अच्छा यहाँ पर स्पेसिफिक हीट मास बताइए कितना है 750 ग्राम्स यहाँ पर बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में देखो द वैल्यू ऑफ द मास इज यूज्ड इन केजी किसमें यूज किया गया है किलोग्राम्स बेटे अब ऑप्शन नहीं मिल कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 केजी टाइम्स अगर आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर लेंगे तो बेटे 1 मार्क यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाएगा 4200 और चेंज इन टेम्परेचर तो ये हो जाएगा 100-17 मुझे बता दीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी 261450 तो 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 2.6 इनटू 10 रेस टू द पावर 5 जूल्स इज दैट क्लियर यस सर बॉइलिंग और एवेपोरेशन में डिफरेंस आपको पता है ठीक है
एट 100 डिग्री सेल्सियस द टेंपरेचर ऑफ द वाटर स्टॉप्स इंक्रीजिंग. 100 डिग्री सेल्सियस पे टेंपरेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, इवन दो द एनर्जी इज स्टिल बीइंग ट्रांसफर्ड. एनर्जी अभी भी सप्लाई की जा रही है. सही है. अब आपसे पूछें, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल व्हाई थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस. स्टेट चेंज करने के लिए टेंपरेचर क्यों चाहिए? Increases the kinetic energy of the particles so that they can. Kinetic energy अगर increase होने का word हमने use कर लिया, तो kinetic energy increase होने का मतलब ये है कि temperature increase हो रहा है, जबकि question में लिखा हुआ है. Sir, they need energy to overcome the forces of attraction. शाबाश. अब आपके पास आपको energy supply करनी पड़ेगी. क्यों? To overcome. सर तो एनर्जी तो आप टेंपरेचर के सोर्स से अप्लाई सप्लाई करोगे ना, हीट हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना. सर तो टेंपरेचर बढ़ा के ही होगा ना. टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा, एनवायरनमेंट का टेंपरेचर बढ़ जाएगा और सिस्टम का टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा जिसकी स्टेट चेंज हो रही है. क्यों? तो जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो कहां जा रही है? दैट हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके सर, सही है, समझ आ गया. टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज नो मोर द पार्ट ऑफ सिलेबस. बट लेटेंट हीट है सिलेबस का पार्ट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट नहीं है. सर लेटेंट हीट की कैलकुलेशंस भी तो चली गई या है? कैलकुलेशन नहीं, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन इट. क्वेश्चन नंबर 8, एन अनचार्ज्ड प्लास्टिक रॉड इज ड्रॉप्ड विद एन अनचार्ज्ड वुलन क्लॉथ. As a result, the rod becomes negatively charged. Negative charge. In explain in terms of the particles, how the rod becomes positive, how the rod becomes charged. State what happens to the cloth. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं rod के ऊपर कौन सा charge आ गया था? Negative charge. मुझे बताएं electrostatic charging में क्या positive charges move करते हैं? नहीं sir, positive अपनी जगह पर रहते हैं, negative move. Okay, मैं यहाँ लिख देता हूँ positive charges do not मूव. सही है, याद रहेगा. पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते. अच्छा, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए. सही है, रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. अब पार्टिकल्स की फॉर्म में बताइए. पार्टिकल्स का मतलब चार्जेस की बात कर रहे हैं कि रॉड बिकम्स चार्ज. रॉड किस तरह से चार्ज हुई और क्लोथ के साथ क्या हुआ, जल्दी से बताइए. सर रॉड ने गेन किए होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ से? क्लॉथ से. सही है. तो सो द इलेक्ट्रॉन्स और द नेगेटिव चार्जेस हैव मूव फ्रॉम द क्लॉथ टू द रॉड. सही है. पहली बार तो रॉड के ऊपर रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. पॉजिटिवली चार्ज. शाबाश. फिगर 8.1 शोज अ मेटल स्फीयर एक्स ऑन अ प्लास्टिक स्टैंड. प्लास्टिक स्टैंड के ऊपर एक मेटल स्फीयर हमने रखा है. एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड व्हाई प्लास्टिक्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. सर मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और सर दो मार्क का क्वेश्चन. और दूसरा क्या था सर? प्लास्टिक. मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, प्लास्टिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ये एक डिफरेंस है. कोवेलेंट बॉन्ड है प्लास्टिक में. यार ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग कोवेलेंट आयन है कहां गया भाई? भाई 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 सर ये भाई वैसे बात तो ठीक कर ये ना भाई 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 सर ये आप बता दें. देखो कैन वी राइट कि लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू और जो इंसुलेटर वो नहीं करेगा लाओ. नहीं, कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब ही यही है. कह रहे कि व्हाई मेटल आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. देखो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हाँ मेरी बात सुन लो जल्दी से, हम आगे चलते हैं, टाइम कम है. मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लास्टिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. दूसरी बात, मेटल में एयर गैप्स मौजूद नहीं होते, प्लास्टिक में एयर गैप मौजूद होते हैं. सही है. इज दैट क्लियर? यस सर. अच्छा, अभी हमसे पूछ रहे हैं द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड अबव द स्फीयर. एक नेगेटिव चार्ज रॉड रखी है हमने यहाँ पर. फिगर 8.1 शोज दैट इट डज नॉट टच द स्फीयर. टच नहीं कर रही है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बेटे हमें यहाँ पर, तो आप बताइए क्या करूँ, कैसे ड्रॉ करूँ?
पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस ऑन द टॉप और नेगेटिव नीचे हो जाएंगे। सर इसके कितने मार्क्स हैं? दो होंगे, दो हैं सर। अगर ये मूव करती तो फिर नेगेटिव नहीं बना क्या मैंने? हाँ अभी अभी डिस्कस करते हैं, मुझे बताओ क्या ये सही है? नहीं सर। क्यों? इक्वल नहीं है सर, इक्वल नहीं है। जितने मैं पॉजिटिव चार्जेस बनाऊंगा बेटे उतने ही नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, ये याद रखिएगा ठीक है? हाँ जी जरूरी है, जी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इट वाज इनिशियली न्यूट्रल, सही है? कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, जरूरी नहीं है ना कि उतने होने चाहिए। यानी कि स्फीयर के ऊपर मैंने पांच पॉजिटिव बनाए हैं तो पांच ही नेगेटिव बनाऊंगा बेटे, इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये होगा कि भाई कोई जंप वंप करके इधर उधर नहीं गया। अच्छा अब ये कह रहे हैं इसको अर्थवायर से कनेक्ट करिए, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, अर्थिंग का ऑब्जेक्टिव है नहीं वैसे, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। अर्थवायर को बेटे जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो जितने भी ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस थे, चल गया। नेगेटिव चार्जेस जो थे नाउ दे हैव मूव्ड इनटू द ग्राउंड, सही है? वो अर्थ पाई के थ्रू कहां चले गए बेटे? दे हैव मूव्ड इनटू द ग्राउंड, इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा जी जल्दी से आगे चलते हैं। द अर्थ वायर स्टेज कनेक्टेड टू द मेटल स्फीयर, डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि नेगेटिव चार्जेस सारे मूव कर चुके हैं ग्राउंड के अंदर, अब स्फीयर के ऊपर कौन से चार्जेस बचे हैं? सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। द अर्थ वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द स्फीयर, अब अर्थ वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, सही है? अभी जो अर्थ वायर था इसको हमने कर दिया डिस्कनेक्ट, सही है? अब ये कह रहे हैं और उसके बाद नेगेटिव चार्ज रॉड को रिमूव कर दिया, ठीक है? अभी आपसे पूछा एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द चार्जेस ऑन द स्फीयर एज द चार्ज रॉड इज मूव्ड अवे। अब जब चार्ज रॉड, अब क्या चार्ज रॉड को जब हमने मूव लेके दूर लेके गए तो अब क्या होगा? तो बेटे अब चार्जेस ना ग्राउंड से स्फीयर के ऊपर आ सकते हैं ना स्फीयर से ग्राउंड में जा सकते हैं। तो अब पहले अगर पॉजिटिव चार्जेस ही थे तो अब कौन से चार्ज, तो आपका स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव भी चार्ज रहेगा। सर तो पहले भी तो पॉजिटिव ही चार्ज ही था, पहले पॉजिटिवली चार्ज ही तो था। हाँ अगर आप अर्थ वायर रिमूव किए बगैर रॉड को हटा देते तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में गए थे दे कम बैक, वो वापस आ जाते हैं और आपके स्फीयर को न्यूट्रल बना देते फिर से। ओके सर ठीक है, हमने पहले अर्थ वायर को रिमूव किया और फिर रॉड को हटाया। अच्छा अ सेकेंड मेटल स्फीयर वाई is negatively charged, ये दूसरा metal sphere y है, उसमें negatively charged है, there is an electric field around surrounding y, y के around एक electric field है, can I figure it, state what is meant by electric field, electric, जैसे magnetic field को हम explain करते हैं, इस तरह electric field को भी explain कर सकते हैं, it is the region around a charge, where another charge experiences a force on it, जहाँ पर दूसरा charge क्या करे अपने ऊपर force को experience करे, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि फिगर 8.1 शोज द नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर वाई, द नेगेटिव चार्जेस आर नॉट शोन, ठीक है? ऑन फिगर 8.4 ड्रॉ द पैटर्न एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सराउंडिंग, सही है? इसके सराउंडिंग मार्क करनी है, तो अगर आपको याद हो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा कुछ याद आया आपको? जी सर। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी क्या होती है? टुवर्ड्स द चार्ज। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर ये पॉजिटिव होता तो बाहर की साइड जाता ना सर। ये लास्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का। या न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा है, डिटेल है, उसमें कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में या कल एक क्लास रखकर जस्ट फॉर 15 मिनट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके बेटे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।